गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन प्लस वन क्लास। फर्स्ट कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल ऑफ यू बिकॉज यू सिलेक्टेड मैथमेटिक्स एज योर कंपल्सरी सब्जेक्ट एंड मैथमेटिक्स इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट एंड इट प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन आवर लाइफ बिकॉज मैथमेटिक्स विद हेल्प ऑफ मैथ्स वी कैन इंक्रीज आवर रीजनिंग स्किल एंड रीजनिंग स्किल we use everywhere in every test after graduation exams. So today we start first chapter of class plus one, that is sets. So whenever the student starts, they would like to start with the fifth chapter, that is complex number and quadratic equation, because quadratic equation they have studied in the class 10th also and they are related. But I feel that if there should be a new topic sets, and it is also very easy topic. So we should start with the sets first chapter. So today we will start sets. So now what is set? First set. What is set? Set है क्या? Set is a well defined collection of objects. What is this? Set is a well defined collection of objects. अब देखो collection का मतलब तो आपको समझा गया, collection का मतलब collect करना। अब meaning of well defined, what is meaning of well defined? Well defined का मतलब क्या है कि it does not vary person to person. अगर कोई किसी के बारे में कोई एक sector लिखने के बारे में मैं कहता हूं तो जो एक आदमी कहेगा उसका मेंबर्स ऑब्जेक्ट्स जो मान लो एक सेट इकट्ठा किया हमने यहां पे एक में लिख दिया मैंने ना यहां पे कुछ लिख दिया मान लो मैंने किसी को कह दिया कि राइट द सेट ऑफ वोवल्स तो एक बंदा लिखेगा वोवल्स यहां पे ए ई आई ओ यू फिर मैंने दूसरे पर्सन को पूछा किसी को फर्स्ट पर्सन ने आंसर दिया दूसरे ने ये क्या दे दिया मान लो ही राइट फर्स्ट आई ई ओ यू एंड ए तो देखो मैंने ये बोला है वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स वेल डिफाइंड तो एक पर्सन ने ये आंसर दे दिया दूसरे ने ये दे दिया अब देखो ऑब्जेक्ट्स ये ऑब्जेक्ट्स हैं इनको क्या बोलते हैं ऑब्जेक्ट्स ये सेम ये ए ई आई ओ यू इसमें है ए ई आई ओ यू इसमें है ऑर्डर डिफरेंट है लेकिन है सेम मेंबर्स क्या है सेम इनको मेंबर्स भी कहते हैं इनको ऑब्जेक्ट्स भी कहते हैं और इनको एलिमेंट्स भी कहते हैं तो दे आर सेम है ना तो इसका मतलब होता है वैलिड डिफाइंड अब वैलिड डिफाइंड का मतलब यही है कि ये पर्सन टू पर्सन वेरी नहीं करना चाहिए अगर वो पर्सन टू पर्सन वेरी कर रहा है तो देन वी कैन नॉट से दैट इट इज अ सेट सो इट इज अ सेट सेट क्या है सेट इज अ वैलिड डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स जो ऑब्जेक्ट्स है वो वेल डिफाइंड का मतलब मैंने आपको बता दिया वेल डिफाइंड का मतलब यह है कि पर्सन टू पर्सन वेरी नहीं करना चाहिए एक पर्सन अगर कोई उसके सेट लिख रहा है मेंबर्स बता रहा है तो दूसरा पर्सन भी वही बताए और तीसरा पर्सन भी वही बताए फोर्थ को पूछो तो फोर्थ भी वही बताए तो उसे हम कहते हैं सेट्स ठीक है अब जैसे अब मैंने कह दिया किसी एक पर्सन से हमने पूछा कि हु आर द बेस्ट क्रिकेटर इन इंडिया टीम या इंडिया में बेस्ट क्रिकेटर कौन है तो किसी ने नाम दे दिया रोहित एक कह दिया युवराज युवराज सिंह हरभजन सिंह ठीक है किसी ने फिर कह दिया दूसरे ने जी कोहली विराट कोहली ठीक है रोहित शर्मा सचिन तेंदुलकर ठीक है अब ये वेरी करेंगे पर्सन टू पर्सन कोई पर्सन इसको मानेगा कोई पर्सन इनको मानेगा कोई अलग से अपना कोई विचार देगा तो दिस इट मीन दिस इज नॉट अ सेट सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स उसे कहते हैं हम सेट्स अब सेट्स को लिखते कैसे हैं हाउ वी कैन राइट अ सेट्स अब जैसे मैंने कहा था कि राइट अ सेट ऑफ वोवल्स है ना सबसे पहले तो सेट को नोट करते हैं कैपिटल लेटर के साथ और कैसे लिखते हैं ब्रेसिस में ऐसे क्या लिखते हैं ब्रेसिस में टू फॉर्म्स है इसकी लिखने की अब फर्स्ट फॉर्म पहले देखो पहले तो ये मान लो है ना मैंने यहां पे लिख दिया ए ई आई
ओ यू है ना। पहली बात तो इसके ये क्या है, इसके मेंबर्स हैं, एलिमेंट्स भी हैं, इनको क्या कहते हैं मेंबर्स, एलिमेंट्स, मेंबर्स भी कहते हैं, एलिमेंट्स भी कहते हैं, और यू कैन से दैट ऑब्जेक्ट्स भी कह सकते हैं इसको, ठीक है। तो ये है, उसके बाद ये कॉमा लगा के लिखना है हर एक एलिमेंट, है ना, हर एक एलिमेंट क्या लिखना है कॉमा लगा के, कैपिटल लेटर के साथ नोट करते हैं, इन ब्रेसिस के साथ इसको क्या करते हैं डिनोट, है ये ब्रेसिस ऐसे छोटी ब्रेसिस ऐसे ऐसे ब्रेसिस में नोट करते हैं, और कैपिटल लेटर के साथ डिनोट करना है, ठीक है बेटा। नाउ इसको लिखने के दो तरीके हैं, एक तो क्या किया रोस्टर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म, ठीक है, इसको टेबुलर फॉर्म भी कहते हैं, टेबुलर फॉर्म, टेबुलर फॉर्म, टेबुलर फॉर्म भी कहते हैं, टेबुलर फॉर्म, टी ए बी यू एल ए आर, टी ए टेबुलर, टी ए बी यू एल ए आर, टेबुलर फॉर्म भी कहते हैं। सेकेंड सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर, सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म भी कहते हैं। अब जैसे यहां पे मैंने ये कौन सी फॉर्म है, ये कौन सी फॉर्म है, ये रोस्टर फॉर्म है। रोस्टर फॉर्म में क्या होता है, सारे सेट्स को हमने खोल के लिखना होता है, सारे सेट, ये कौन सी फॉर्म है, रोस्टर फॉर्म है। अब इसी फॉर्म को मैं, इस रोस्टर फॉर्म है, मैं सेट बिल्डर के, सेट बिल्डर से लिखूंगा। सेट बिल्डर का मतलब क्या है, देखो इधर, जैसे इसका नाम यहां बिल्ड, बिल्ड करना है, ऐसे एक्स ऐसे लिख के, उसके बाद कॉलम, ठीक है, और नाउ आई विल राइट एक्स इज अ, एक्स इज अ वोवल, एक्स इज एन वोवल, एक्स इज अ वोवल। तो ये कौन सा तरीका इसका, ये आप ये लिख दो एक्स इज अ एन वोवल इन इंग्लिश, पूरा लिख दो एक्स इज अ वोवल ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, इंग्लिश अल्फाबेट, इंग्लिश अल्फाबेट, ये है, ये ठीक है। ये कौन सी फॉर्म है, सेट बिल्डर फॉर्म, दिस इज व्हाट सेट बिल्डर फॉर्म, ये रोस्टर फॉर्म थी, ये सेट बिल्डर फॉर्म थी। किसको मतलब सेट को रिप्रेजेंट कैसे करना है, या तो हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, रोस्टर फॉर्म से या सेट बिल्डर फॉर्म से। उसके बाद अब एक होता है बिलोंग्स टू, कहता है बिलोंग्स टू, बिलोंग्स टू का मतलब क्या है, मान लो यहां पे मैंने एक लिख दिया सेट, है ना, एक सेट है, सपोज इसमें क्या है, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन, दिस इज अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स लेस देन 11, ठीक है, ये सेट है, नेचुरल नंबर का सेट है। अब होता है इसमें एक वर्ड कहता है बिलोंग्स टू, ये बिलोंग्स टू का साइन है, जो इसमें एलिमेंट्स हैं, मान लो मैंने यहां पे क्या लिख दिया टू, टू बिलोंग्स टू ए है, यस, इसका मतलब क्या होता है बिलोंग्स टू, बिलोंग्स टू, बिलोंग्स टू, है ना। इसको ऐसे ही लिखना मैथमेटिक्स लैंग्वेज में, कौन सा साइन यूज करना हमने, ठीक है। एक होता है डज नॉट बिलोंग्स टू, लेट अस सपोज मैंने यहां पे लिख दिया 11, 11 डज नॉट बिलोंग्स टू ए, ये है बिलोंग्स टू का नया वर्ड आपके लिए। बिलोंग्स टू को ऐसे नोट करते हैं, ऐसे इजी मतलब थोड़ा डाल के, और डज नॉट बिलोंग को इसके ऐसे कर देना है, ठीक है, ये था। उसके बाद इसमें एक देखो फिक्स्ड ये है, हम नेचुरल नंबर्स के सेट को किससे डिनोट करते हैं, तो एक थोड़े से रिप्रेजेंटेशन है जो आपने याद रखनी है। सबसे पहले क्या है एन, एन के साथ किसको, एन का मतलब क्या होता है सेट ऑफ, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स, है ना, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। अब सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स लिखते कैसे, देखो एक तो मैंने ऐसे लिख दिया ना, ए इज इक्वल टू, मान लो कि उसको मैंने रोस्टर फॉर्म में लिखना है ना, ए इज इक्वल टू एक्स, एक्स इज अ नेचुरल नंबर, एक्स इज अ नेचुरल नंबर। दूसरा इसको, ये इसकी कौन सी फॉर्म होगी है, सेट बिल्डर फॉर्म। एक इसको मान लो खोल के कैसे लिखते हैं ना, खोल के कैसे लिखोगे, वन टू थ्री फोर फाइव ऐसे करके, उसके बाद आपने डॉट्स डाल दिए, और ये याद रखना डॉट्स थ्री डालोगे बस, थ्री से ज्यादा डॉट्स नहीं डालने आपने, क्योंकि ये जो नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर इनफाइनाइट तक होते हैं, तो आपने क्या लिखा है वन टू थ्री फोर फाइव, ये ऐसे। और जहां फिर इसको किससे आगे जब यूज करेंगे तो कैसे नोट कर देंगे, एन के साथ, एन किसका साइन है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर का।
उसके बाद है जी जेड। जेड किसका है? सेट ऑफ इंटीजर्स का, सेट ऑफ इंटीजर्स, इंटीजर्स। उसके बाद क्या है? क्यू। क्यू क्या है? सेट ऑफ रैशनल नंबर्स, सेट ऑफ रैशनल नंबर्स। उसके बाद है बेटा आप लिख दो चाहे जेड पॉजिटिव, जेड पॉजिटिव का मतलब सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स। उसके बाद क्या है आप आर, आर 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 से क्या नोट होता है? आर मीन सेट ऑफ रियल नंबर्स, सेट ऑफ रियल नंबर्स, ठीक है, सेट ऑफ रियल नंबर्स। उसके बाद अगर यहां पे पॉजिटिव डाल दूंगा तो वो क्या हो जाएगा? सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स। ये मतलब रिप्रेजेंटेशन है उस खास सेट्स को लिखने की। एन जेड, एन से मतलब नेचुरल नंबर्स का सेट, जेड से मतलब इंटीजर्स, क्यू से मतलब सेट ऑफ रैशनल नंबर्स, जेड पॉजिटिव डालोगे तो सेट ऑफ अपना पॉजिटिव इंटीजर्स, आर आर अगर अकेला है तो सेट ऑफ रियल नंबर्स, आर पॉजिटिव तो सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर्स। तो ये था, तो इसके लिए आज के लिए इतना, मतलब आपके लिए इंट्रोडक्शन में बहुत है। तो नाउ वी विल स्टार्ट एक्सरसाइज 1.1 एक्सरसाइज है इसकी बेटा। आई विल सेंड यू इमेज ऑल्सो, दे डू नॉट हैव बुक्स। सो फर्स्ट है, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है कहना विच ऑफ द फॉलोइंग आर द सेट्स जस्टिफाई योर आंसर। पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट है, व्हाट दे हैव रिटन। कहना कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स ऑफ अ ईयर बिगनिंग विद द लेटर जे, बिगनिंग विद द लेटर, बिगनिंग विद द लेटर जे। कह रहा है हमें ये बताना है कि कौन से सेट है और जस्टिफाई करो आंसर आप अपना, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग आर द सेट्स, पहला क्वेश्चन क्या है? द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स, कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स, कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स बिगनिंग विद जे। तो ये कह रहा है कि ये सेट होगा या नहीं होगा, तो हम देखते हैं। मान लो हमने किसी पर्सन को पूछ लिया कि आप ये लिखो भी इसमें कौन कौन से आएंगे, तो वो क्या कहेगा? ही विल राइट ओनली जनवरी, जनवरी के बाद क्या लिखा वो, जून, जुलाई, ये देगा। अब किसी और पर्सन को पूछा तो वो क्या लिखेगा? उसका आंसर भी यही होगा, ठीक है, ये तीन ही आएंगे। मे भी ये आगे आ जाए या पीछे आ जाए, दैट डज नॉट प्रॉब्लम, ऑर्डर इसमें मैटर नहीं करता है, लेकिन नंबर्स सेम होने चाहिए। हो सकता है कि जून पहले लिख दे, जुलाई पहले लिख दे, या बाद में लिख दे, तो इट डज नॉट मैटर। तो अब इसके लिए एक पर्सन से पूछा, उसने ये लिखा, दूसरे ने ये लिखा, तीसरा भी ये लिखेगा, तो इट मीन्स ये क्या है? सेट है। तो फर्स्ट इज यस, यस इट इज सेट, ठीक है। अब सेकेंड, अब द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया, मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया, मोस्ट टैलेंटेड, टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया, है ना, मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। अब इसमें हमने किसी को पूछा कि आपके लिए मोस्ट राइटर्स ऑफ इंडिया के कौन कौन से हैं, तो वो कोई राइटर्स को किसको बता देगा? मुंशी प्रेमचंद, ठीक है, कोई बता देगा, मतलब अपने क्या मुंशी को, कोई किसी मुंशी प्रेमचंद जी का नाम ले दिया, किसी ने अपना खुशवंत सिंह इंग्लिश राइटर उनका नाम ले दिया, कोई मतलब एक स्पेसिफिक किसी बंदे से पूछा उसने ये दो नाम बताए, किसी और से पूछा वो कोई और दो नाम बता दे, किसी और से पूछा उसने और नाम बता दिए, तो सबकी अलग अलग, सबके अकॉर्डिंग अलग अलग राइटर्स होंगे। कोई इंग्लिश राइटर्स को पसंद करेगा, कोई हिंदी राइटर्स को, कोई पंजाबी राइटर्स को, तो इसके लिए कोई उर्दू वाले भी होंगे, तो वो क्या होगा? सबके लिए सेम नहीं होगा, तो इट मीन्स इट इज नॉट अ सेट, इट इज नॉट अ सेट। थर्ड, इसका थर्ड पार्ट, अ टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। अब ये क्या, ये सेट होएगा? नो, व्हाई? बिकॉज ये भी पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा, ये क्या कर रहा है? वेरी कर रहे हैं ये, कोई किसी को बेस्ट क्रिकेट प्लेयर बताएगा, कोई किसी को बताएगा, किसी की नजर में कोई दूसरा है, किसी की नजर में कोई दूसरा होगा, तो दे आर वेरी पर्सन टू पर्सन, सो इट मीन्स इट इज ऑल्सो नॉट अ सेट। नेक्स्ट, फोर्थ पार्ट, फोर्थ पार्ट है इसका, द कलेक्शन ऑफ ऑल द नेचुरल नंबर्स लेस देन 100। यस, द क्या था वो, ये कह रहा था कलेक्शन ऑफ ऑल द नेचुरल नंबर्स लेस देन 100, वो सबके लिए क्या होंगे? लेस देन 100, तो वो सब क्या करोगे? 1, 2, 3,
अप टू 99 यही लिखेंगे, सारे यही लिखेंगे। एक पर्सन को पूछेंगे वो भी यही आंसर देगा, दूसरा होगा उसके भी दिएगा, सबके लिए ये क्या है सेम, तो इट मीन इट इज अ सेट। ठीक है, अब द कलेक्शन ऑफ नॉवल्स रिटन बाय मुंशी प्रेमचंद, तो ये भी क्या होगा, ये सेट होगा, यस व्हाई, बिकॉज मुंशी प्रेमचंद के जितने भी लिखे हुए नॉवल्स हैं वो सबके लिए सेम है, मैं भी सेम बताऊंगा, कोई दूसरा बताएगा वो भी बताएगा, तीसरा है तो वो भी वही लिखेगा, तो इट मीन इट इज ऑल्सो अ सेट। आगे द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स, यस इट इज ऑल्सो सेट, कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स, इवन इंटीजर्स में सब यही बताएंगे, इवन में 2, 4, 6, 8, 10 तो ये डॉट डॉट ये सारे क्या होंगे सेम बताएंगे, तो ये भी पर्सन टू पर्सन वेरी नहीं करेगा, तो ये क्या है 2, 4, 6, 8, 10 तो मतलब ऐसे चलते रहेंगे, तो इंटीजर्स ये बोला था ना कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स, तो यही आएगा, तो ये सबके लिए सेम होगा, तो ये भी क्या हो गया सेट हो गया हमारे पास। नाउ बेटा सेवंथ पार्ट, सेवंथ पार्ट था अभी, वो ये कह रहा है द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर, कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर, तो इट विल बी आल्सो सेम फॉर एवरी पर्सन, तो दिस विल बी आल्सो अ सेट, यस इट इज आल्सो अ सेट। एट पार्ट, अ कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड, मोस्ट डेंजरस एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड, मोस्ट एट नहीं है, एट पार्ट था बेटा, दिस इज नाइन्थ पार्ट, मेरे ख्याल सेवन हम कर चुके हैं ना, द कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड, मोस्ट डेंजरस, अब ये सेट होगा नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि एक पर्सन से पूछा हमने, वो जैसे मान लो उसने बता दिया स्नेक या एलिफेंट एंड लॉयन, कोई कोई बी पार्ट है ना, इसमें कोई वो कोई लिजर्ड से बहुत डरता है ऐसे लीजर्ड, ठीक है, ऐसी वो किसी और एलिमेंट का नाम ले दे यहां पे बोल ऐसी, तो वो पर्सन टू पर्सन वेरी करता है कौन किससे डरता है, ठीक है, कोई काउ से बहुत डरता है, मान लो डॉग आ गया इसमें, इसमें डॉग आ गया, कोई काउ से बहुत डरता है, ठीक है, तो ये पर्सन टू पर्सन वेरी करते हैं, सो इट मीन इट इज नॉट अ सेट। ठीक है, अब सेकेंड क्वेश्चन, सेकेंड क्वेश्चन में क्या है, दे आर सीइंग लेट ए इज इक्वल टू एट, सेट है 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये एक सेट है ना, ये हमें क्या दिया गया कि ए इज अ सेट, इंसर्ट द एप्रिशिएट सिंबल, और नीचे वो दे रखा है बेटा, फर्स्ट पार्ट में क्या लिखा है 5A, सेकेंड में 8A, थर्ड आई थिंक ये बिल्कुल आसान है बेटा, आप कर ही लोगे ये है ना, फोर्थ सारे पार्ट्स आप देख लेना, आई विल सेंड आउट, ठीक है, अब ये 5 बिलोंग्स टू 5 में करता है बिलोंग करता है, तो इट मींस यू विल पुट दिस साइन बिलोंग्स टू का, अब 8 इसमें बिलोंग करता है नहीं करता, तो आप ये कर दोगे, अब 0 डज नॉट बिलोंग्स टू कर दोगे, 4 बिलोंग्स टू करता है 4 इसमें है तो आप बिलोंग्स टू का साइन कर दोगे, ऐसी फिफ्थ है, फिफ्थ में क्या है 2 बिलोंग्स टू कर रहा है, यस 2 बिलोंग्स टू ए, एंड देन 10 डज नॉट बिलोंग्स टू ए, तो ये था हमारा, हमने पुट करना था बिलोंग्स टू का साइन कि इसमें है या नहीं है, अगर होता है तो बिलोंग्स टू करता है, अदरवाइज नहीं होता, 5 है यस है, 8 नहीं है तो डज नॉट बिलोंग्स टू का साइन आ गया, तो ये था हमारा सेकेंड क्वेश्चन। नाउ बेटा आई हैव लिसन हियर, थर्ड क्वेश्चन इज व्हाट, यू हैव टू राइट, ये कौन सी फॉर्म लग रही है आपको, दिस इज अ सेट बिल्डर फॉर्म एंड यू हैव टू चेंज इट इनटू रोस्टर फॉर्म, आपने रोस्टर फॉर्म में लिखना है, तो रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, जो मैंने कुछ शॉर्ट में लिखा है, ए है एक सेट एक्स, एक्स इज अ इंटीजर, एक्स इज ग्रेटर देन -3 एंड लेस देन 7, तो इस सेट को हम क्या लिख देंगे बेटा, इसके पूरे एलिमेंट्स खोल के लिखने हैं हमने, अब एक्स इंटीजर होना चाहिए, इंटीजर का मतलब आप समझते हो, नेचुरल नंबर्स विद द साइन ऑफ नेगेटिव और इंक्लूडिंग 0 इज कॉल्ड इंटीजर्स, है ना, तो नाउ व्हाट इज देयर, एक्स ग्रेटर देन -3 हो तो वो कौन सा नंबर आएगा, -2 भी हो सकता है, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 तो ये वाला नंबर आ जाएगा बेटा इसमें, ठीक है, अब
ये क्यों नहीं आया? अगर यहां पे इक्वल टू का साइन होता तो माइनस थ्री भी आता, और यहां पे अगर इक्वल टू का साइन होता तो सेवन भी इंक्लूड करते हैं, तो यहां पे सिर्फ यही साइन आएंगे ओनली। ये है नहीं है साइन, एक्स ग्रेटर देन माइनस थ्री, एक्स लेस देन सेवन, तो ये वाले नंबर्स आ गए। अब दूसरा एक्स, एक्स इज अ नेचुरल नंबर लेस देन सिक्स, तो इट्स वेरी वेरी सिंपल। तो कौन से नंबर आएगा? एक्स एक नेचुरल नंबर है, लेस देन क्या होने चाहिए? सिक्स। दो कंडीशन आए यहां पे, एक तो नेचुरल नंबर होना चाहिए, दूसरा लेस देन सिक्स। तो व्हाट आर दैट नंबर्स? वन टू थ्री फोर एंड फाइव, ठीक है ये आ गए। अब एक्स इज अ टू डिजिट नंबर है बेटा, एक्स है ना, एक एक्स, एक्स है क्या? एक्स की एक कैरेक्टरिस्टिक है, ये उसकी प्रॉपर्टी बता रहा है कि एक्स को आपने कैसे लिखना है। एक्स, एक्स इज अ टू डिजिट नंबर हूज सम इज एट। देखो x इज अ टू डिजिट नंबर है, उन दोनों डिजिट का सम क्या है? एट। तो कहां से शुरू करेंगे हम? टू डिजिट नंबर है ना, तो क्या हो जाएगा सबसे पहले बेटा? सेवनटीन, दोनों का सम क्या है? वन प्लस सेवन करता है, एट टू डिजिट नंबर है। उसके बाद सेवनटीन एटीन नाइनटीन ट्वेंटी ट्वेंटी वन ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी सिक्स, ट्वेंटी सिक्स आ जाएगा, ठीक है। ऐसे बेटा आपने ढूंढने सारे ये 26, उसके बाद कौन सा आएगा अपना 26, 27, 28, 9, 30, और इसमें क्या आएगा 35 आएगा, ठीक है। उसके बाद 44 आ जाएगा बेटा, उसके बाद 5 वाली लाइन में आ जाएगा 53, देन 53, उसके बाद बेटा कौन सा आएगा अपने पास 53, और आ जाएगा अपने पास 53 के बाद 6 वाली लाइन में 62, ठीक है। फिर 7 वाली लाइन में 71, उसके बाद सम इज ए टू डिजिट नंबर होना चाहिए 71, उसके बाद आ जाएगा 80 भी आएगा फिर, ठीक है। 80 के बाद, 80 के बाद आगे कोई नहीं आएगा ना। तो आंसर, आंसर यू कैन सी, अगर कोई रह गया हो तो आप अपने आप देख लेना बेटा इसको, है ना। तो ये मेरे अकॉर्डिंग ये होंगे, आप कोई रह गया तो वो देख सकते हो ना। उसके बाद नाउ एक्स, एक्स इज द प्राइम नंबर डिवाइजर ऑफ 60। एक्स प्राइम नंबर भी होना चाहिए। प्राइम नंबर मतलब कौन सा होता है? द नंबर विच हैज ओनली टू फैक्टर्स, वन एंड इटसेल्फ, जो भी नंबर होता है जिसके जो मतलब किसी दूसरे डिजिट पे डिवाइज नहीं, डिविजिबल नहीं है, उसको बोलते हैं प्राइम नंबर। और मैथमेटिक्स लैंग्वेज में ऐसा कहते हैं द प्राइम नंबर्स, द नंबर्स विच हैज ओनली टू फैक्टर्स, जो दो नंबर भी डिविजिबल होता है, कौन से? वन एंड इटसेल्फ, ठीक है। तो प्राइम नंबर भी होना चाहिए और डिवाइजर ऑफ 60, 60 को डिवाइड करते हैं, है ना। 60 को तो बहुत सारे नंबर डिवाइड करते हैं, लेकिन प्राइम नंबर होना चाहिए। वो पहले वन, वन तो प्राइम ही नहीं होता, उसके बाद टू है ना, टू आ जाएगा, टू आ जाएगा, फिर बेटा क्या आ जाएगा? थ्री आ जाएगा, उसके बाद आई थिंक फाइव आ जाएगा, तो ये आ जाएगा नंबर टू थ्री एंड फाइव। ये ऐसे प्राइम नंबर्स हैं जो 60 को क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं, ठीक है। अगर कोई रह गया हो तो आप वो देख सकते हो ना। उसके बाद इसके डिवाइजर को आ जाएंगे बेटा 20, 12 भी आएगा लेकिन 12 इज नॉट अ प्राइम, 15 आ जाएगा 15 इज नॉट अ प्राइम, तो 20 इज नॉट अ प्राइम, ऐसे बहुत सारे आएंगे लेकिन वो प्राइम नहीं आएंगे, ठीक है। अब थोड़ा सा नया आंसर इसमें, द सेट ऑफ ऑल लेटर्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, है ना, ट्रिग्नोमेट्री। अब ये याद रखना बेटा, इसमें आपने क्या लिखना है? देखो पहला लेटर मैंने क्या लिख दिया? टी, टी लिख दो, नो प्रॉब्लम, कॉमन आर के लिखना है, याद रखना। आर, आर लिख दो, फिर आई, आई लिख दो, जी, जी लिख दो कॉमा करके, फिर ओ, ओ लिख दो, ठीक है ओ, फिर क्या गया? एन, एन लिख दो, फिर ओ आया बेटा दोबारा। तो दोबारा से आपने लेटर रिपीट नहीं करना, यू विल नॉट रिपीट द लेटर, ठीक है। ओ एक दो बार आया तो आप एक, चाहे तीन बार आए, चार बार आए, यू विल राइट इन द रोस्टर फॉर्म, एक ही बार लिखोगे, कीप दिस थिंग इन माइंड। उसके बाद एम, एम यू विल राइट, फिर ई, ई पहले लिख चुके हैं, नहीं लिखा तो ई लिख दो, उसके बाद टी, टी लिख चुके हैं तो यू विल नॉट राइट टी अगेन, आर, आर यू विल नॉट राइट अगेन वाई। तो मतलब आपने लेटर रिपीट नहीं करना, इस बात का ध्यान रखना है। नाउ नेक्स्ट बेटर बी एस ई है, इसको क्या लिखोगे आप? यू कैन राइट बी, ई, टी यू विल राइट सिंगल, ई ऑल्सो यू हैव रिटन आर, तो ये वाले लेटर ही आएंगे हमारे पास। तो ये कौन सी फॉर्म थी बेटा? व्हाट, विच फॉर्म वाज दिस? ये हमारा थर्ड क्वेश्चन था, दिस वाज व्हाट, ये दिस वॉज अ सेट बिल्डर फॉर्म एंड वी हैव कन्वर्टेड इट इनटू रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म वो होती है जिसमें हम सारे एलिमेंट्स खोल के लिख देते हैं, ठीक है। सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, नाउ बेटा फोर्थ क्वेश्चन वी विल डू। व्हाट इज फोर्थ क्वेश्चन?
फोर्थ क्वेश्चन में वो क्या कह रहा है कि दिस इज अ सेट अपना उसका थर्ड का कन्वर्स है. नाउ हियर इट इज गिवन व्हाट जो कौन सी फॉर्म लग रही है आपको रोस्टर फॉर्म है. वी हैव टू चेंज इट टू सेट बिल्डर फॉर्म. अब सेट बिल्डर फॉर्म जरूरी नहीं है कि एक ही जैसे लिखी जा सकती है, इसके दो तीन तरीके भी हो सकते हैं. यू कैन राइट लाइक दिस वे. ये देखो पहला ये है, आपको क्या लग रहा है 3, 6, 9 and 12 है ना. मैंने क्या कैसे लिखना हमने ये ऐसे डाल के, ये मैंने क्या लिख दिया एक्स है ना, एक्स है फिर कॉलन. फिर एक्स है क्या बेटा, एक्स की करेक्टरिस्टिक बताओगे आप, एक्स है क्या. एक्स इज इक्वल टू देखो मुझे आपको क्या लग रहा है, ये थ्री का टेबल नहीं है, 3, 6, 9, 12 है ना, थ्री का टेबल है. तो मैं यहां पे क्या लिख दू 3n. फिर मुझे एन को भी दिखाना पड़ेगा भी एन क्या है, व्हाट इज एन. फिर आप ये लिख दोगे यहां पे एन एन, आप यहां पे कॉमा डाल दो, यहां पे क्या डाल दो कॉमा है ना, कॉमा डाल के आप लिख दो कि एन बिलोंग्स टू एन. एन क्या है मतलब ये वाला एन बिलोंग्स टू एन, एन मतलब नेचुरल नंबर. उसके बाद एन आगे ये भी लिखोगे एंड एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 लेस देन इक्वल टू 4. तो ये बन गया बेटा हमारे पास. अब ये देखो ना, अगर मैं ये x इज इक्वल टू 3 एन, मैंने एन पे भी वो लगा दी कंडीशन, एन क्या होना चाहिए, या तो ग्रेटर देन होना चाहिए 1 से, या इक्वल टू 1, या लेस देन इक्वल टू 4. एन ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है और लेस देन इक्वल टू 4 है, ठीक है. एन की वैल्यू क्या क्या आ सकती है, 1 आ सकती है, 2 आ सकती है, 3, 4, और वो अगर लिखोगे तो ये अपने पास वो आ जाएगा बस 3, 6, 9 and 12, ठीक है बेटा. अब इसका देखो जी, ये क्या है 2, 4, 8, 16, 32 है ना, 2 की पावर बढ़ रही है, 2 की पावर है ना. देखो इधर मैंने ये लिख दिया एक्स एक्स है ना एक्स, या वर्ड्स में भी लिख सकते हो, ये वो मैंने लिखा है ना, ये मतलब वर्ड्स में सॉरी ऐसे आप सीधा लिख सकते हैं वेयर एक्स इज इक्वल टू 3 एंड एन इज अ नेचुरल नंबर. अब लिख सकते हो एंड एन इज लेस देन इक्वल टू 4, क्योंकि नेचुरल नंबर लिख दिया तो आप सिर्फ इतना लिख दो क्या कि लेस देन इक्वल टू 4, क्योंकि नेचुरल नंबर ही आएगा, नेचुरल नंबर 1 ही आएगा, उसके बाद तो होता नहीं है, स्टार्टिंग 1 से है. और लेस देन इक्वल टू क्या आएगा 4, लिख भी सकते हो और ऐसे भी कर सकते हो. तो एक्स एक्स इज इक्वल टू क्या है यहां पे 2 raised power x, x लिखो ना पहले, x इज इक्वल टू 2 raised power n, 2 raised power क्या है n. अब अगर मैंने यहां पे ये लिख दिया n belongs to n है ना, n belongs to n and n n पे भी तो कंडीशन है, एस टू एन की क्या आ जाएगी नेचुरल नंबर, बहुत सारा बड़ा हो जाएगा, लेकिन यहां पे क्या आना चाहिए ज्यादा से ज्यादा 32, तो वो कहां पे होती है 2 की पावर 5, तो इसका मतलब n greater than equal to 1 and less than equal to 5. आप ऐसे भी इसको लिख सकते हो. तो ये हमने ये ऐसे लिख दिया ना, देखो ना आप यहां पर क्या पुट कर सकते हो एन की वैल्यू 1 से लेके 5 तक, 1 डालोगे तो 2 आ जाएगा, 2 डालोगे तो 4 आ जाएगा, 3 डालोगे तो 8, 4 डालोगे तो 16, और अगर ये डालोगे तो क्या आ जाएगा अपने पास ये है ना एन बिलोंग्स टू एन एंड ये है ना. अब नाउ व्हाट यू विल राइट हियर, देखो इसको क्या लिखोगे एक्स कॉलन एक्स इज इक्वल टू x is equal to है ना, ये क्या है 5 है ना, 5 की पावर नहीं बढ़ रही है. देखो बेटा 5 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
एन है क्या, एन बिलोंग्स टू एन, ठीक है, नहीं तो वैसे तो माइनस वन टू भी कुछ हो सकता है, तो मैंने इसको एक्स इज इक्वल टू फाइव, देखो एक्स की करेक्टरिस्टिक बतानी है, तो एक्स की करेक्टरिस्टिक क्या बता दी मैंने, एक्स इज इक्वल टू फाइव इज पावर एन, एन बिलोंग्स टू एन, एंड अब फिर वही एन, एन क्या हो सकता है ग्रेटर देन इक्वल टू वन एंड लेस देन इक्वल टू क्या आएगा बेटा, फाइव पांच और फोर आ जाएगा, फोर फाइव क्या आ जाएगा फोर, है ना, ये आ गया। उसके बाद ये देखो ये क्या बेटा एक्स है, वेयर एक्स इज इक्वल टू, वेयर एक्स इज इक्वल टू, ये क्या आ जाएगा इसका एक्स इज इक्वल टू एक्स, ये क्या आ रहा है देखो टू फोर सिक्स, टू फोर सिक्स मतलब इवन नंबर्स आ रहे हैं ना, तो आप ये लिख दो एक्स, एक्स इज अ इवन नेचुरल नंबर, इवन नेचुरल नंबर ये लिख दोगे आप, एक्स इज अ इवन नेचुरल नंबर ये लिख दोगे। उसके बाद ये है व्हाट इज दिस एक्स, इसको बेटा क्या लिख दोगे एक्स, व्हाट यू विल राइट टू दिस, ये क्या है वन फोर नाइन, देखो पहले ये वन का स्केयर आ रहा है, फिर टू का स्केयर आ रहा है, फिर थ्री का स्केयर, फिर ऐसी फोर का स्केयर, फाइव का स्केयर आ जाएगा,
So what we can write here, x is equal to, what you can write here, x is equal to n square, n square. And अब n के ऊपर भी ऊपर निशान लगाओगे, n ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है, देखो 100 मतलब ये x क्या हो सकता है, ज्यादा से ज्यादा 100 हो सकता है, ये इसको आप ऐसे लिखोगे x. तो n is a natural number और उसके बाद x is a natural number और n is a greater than equal to 1 and less than equal to क्या है बेटा, यहाँ पे less than equal to देखो 1 है 2 है 3 है, तो ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे क्या हो सकता है 10 है ना, 10 का देखो 1 पुट करोगे तो 1 आ जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 3 4 फिर ज्यादा से ज्यादा क्या लिख सकते हो आप 10, तो 10 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 100. तो ये था हमारी कन्वर्जन, ये कौन सी फॉर्म थी, ये हमारी कौन सी फॉर्म थी बेटा, ये रोस्टर फॉर्म और ये कौन सी है सेट बिल्डर फॉर्म. ठीक है, आई थिंक आपको ये 4 तक क्वेश्चन समझ आ गए होंगे. नाउ बेटा 5th क्वेश्चन ऑफ फर्स्ट 1.1 एक्सरसाइज, लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स, लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट. तो सारे एलिमेंट्स लिखने हैं आपने, ये देखो ये कैसे लिखोगे, फिर वही है मतलब ये क्या है एक तरह से, दिस इज व्हाट अ सेट बिल्डर फॉर्म, और हमें क्या लिखनी है रोस्टर फॉर्म. तो ए एक्स, एक्स इज अ ऑड नेचुरल नंबर, ऑड नेचुरल नंबर तो बहुत सारे होंगे, तो कैसे लिखोगे ऑड नेचुरल नंबर 1, 3, 5, 7. तो मैंने क्या कहा था, कितने डॉट्स डाल दें आपने 3, तो ये आ गया ना 3 डॉट्स डाल के आप लिख दो. उसके बाद एक्स, एक्स इज एन इंटीजर, एक्स ग्रेटर देन माइनस हाफ एंड लेस देन 9/2, 9/-1/2 का मतलब देखो माइनस हाफ का मतलब 0.5 हो गया, तो नंबर लाइन होती है ना यहाँ पे माइनस हाफ आएगा यहाँ पे, तो व्हाट विल बिकम हियर, यहाँ पे माइनस हाफ ना तो इधर ही होगा ये, तो यहाँ पे 0 होगा. ठीक है 0, तो यहाँ पे क्या नंबर आ जाएंगे फिर 0, 1, 2, 3 और इंटीजर भी होना चाहिए याद रखना, इंटीजर है ना 0, 1, 2, 3, 4 आएगा. देखो एक्स लेस देन 9/2 तो वो क्या आ जाएगा 4 भी हमारा पास आ जाएगा. ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास. नाउ एक्स इज एन इंटीजर, एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4, तो मतलब एक्स एक ऐसा नंबर है जो लेस देन इक्वल टू क्या होना चाहिए 4, एक्स का स्क्वायर स्क्वायर करके ना, तो स्क्वायर क्या करोगे एक तो क्या आ जाएगा माइनस 1 भी आ जाएगा, यहां पे माइनस 2 आ जाएगा, 0 आ जाएगा. ठीक है, स्क्वायर लेस देन 4 होएगा इसका. उसके बाद 1 आएगा, 2 आएगा, 3 तो आएगा नहीं ना, ये नंबर आ गए. इन सबका अगर स्क्वायर करेंगे तो लेस देन इक्वल टू क्या रहेगा, वो 4 रहेगा है ना, लेस देन इक्वल टू 4. ठीक है, ये हो गया. उसके बाद अब इसमें क्या आएगा बेटा, लॉयल में आप क्या लिखोगे एल एल और व्हाट यू विल राइट हियर, व्हाट यू विल राइट हियर, व्हाट यू विल राइट हियर एल ओ वाई एंड ए, दोबारा एल लिखोगे नहीं है ना. अब आगे ये क्या है एक्स, ये क्या है नॉट मंथ्स ऑफ द मंथ्स विच नॉट हैविंग 31 डेज, तो वो कौन कौन से, जनवरी के 31 होते हैं, फरवरी आ जाएगा बेटा फेब, मार्च के 31 होते हैं, अप्रैल मई के भी 31 होते हैं, मतलब वो मंथ्स आप लिख दोगे जिनके 31 डेज नहीं है, तो वो क्या हो जाएगा फरवरी अप्रैल, उसके बाद मई होते हैं, जून जुलाई अगस्त नहीं आएगा, सितंबर आ जाएगा. ठीक है, उसके बाद अक्टूबर नहीं आएगा, नवंबर नवंबर आ जाएगा इसमें, तो ये 5 डेज आ जाएंगे है ना ये वाले. उसके बाद ये एक्स विच प्रोसीड्स के, विच कॉन्सोनेंट है यहाँ पे, मुझे क्या है एक्स है, एक्स क्या है एक्स कॉन्सोनेंट है, विच प्रोसीड्स के जो के से पहले आते हैं, तो कॉन्सोनेंट कौन कौन से होंगे, वो ए नहीं, ए तो मोगल हो गया कॉन्सोनेंट बोला ना उसने, बी सी डी ई नहीं आएगा, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के है ना, ये नंबर आ जाएंगे जो कॉन्सोनेंट है, बी सी डी एफ जी एच एंड जे. ठीक है बेटा, अब उसके बाद क्या था इसमें हमारे पास, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कह रहा मैच द 6th क्वेश्चन है, मैच ईच ऑफ द सेट ऑन द लेफ्ट इन द रोस्टर फॉर्म फ्रॉम द सेम सेट ऑन द राइट डिस्क्राइब इन द सेट बिल्डर फॉर्म. तो आई थिंक ये आप अपने आप कर लोगे, पहला है 1, 2, 3, 6, 1, 2, 3, 6 इधर लिखा हुआ है, और उधर आप क्या कर दोगे, एक्स इज अ नेचुरल नंबर एंड डिवाइजर ऑफ 6,
वन टू थ्री सिक्स में क्या आ जाएगा, एक्स, एक्स इज अ नेचुरल नंबर एंड डिवाइजर ऑफ सिक्स, ये सारे सिक्स के क्या है, डिवाइजर है। मैं बता ही देता हूं आपको एक यहां पे थोड़ा सा लिख के, सिक्स्थ क्वेश्चन, ये सिक्स्थ का पहला क्या बेटा, यहां पे क्या लिखा हुआ है, वन टू थ्री सिक्स, ये इधर उधर मैचिंग करनी है आपने ना, तो यहां पे कि ये सारे क्या है, डिवाइजर ऑफ सिक्स है। उसके बाद क्या है, टू एंड थ्री, आप इसको अपने आप लिखना, ठीक है, ये क्या है, वन टू थ्री ऑल द, ये सेट है ऑल द मेंबर्स हियर और एलिमेंट्स डिवाइजर ऑफ सिक्स। अब ये क्या है, टू थ्री, इसमें दिया हुआ है एक्स, एक्स इज द प्राइम नंबर एंड डिवाइजर ऑफ सिक्स, एक्स इज द प्राइम, ये प्राइम नंबर है, एक्स लिख के ऐसे, एक्स इज अ प्राइम नंबर एंड डिवाइजर ऑफ सिक्स है ना। उसके बाद मैथमेटिक्स, वो पता ही है मैथ, ये वो लिखा हुआ है एम ए टी एच, उधर मतलब क्या आ जाएगा, ये मैथमेटिक्स पूरा लिखा होगा ना, ये उसके लेटर्स हैं। और फिर क्या है, वन थ्री फाइव सेवन नाइन, वन थ्री फाइव सेवन एंड नाइन, तो ये क्या है बेटा, ये इसमें एक ही बचा है, चार ऑप्शन दे रखी थी, एक्स, एक्स इज अ ऑड नेचुरल नंबर लेस देन टेन, ऑड नेचुरल नंबर लेस देन टेन, ये क्या है, ऑड नेचुरल नंबर लेस देन टेन। तो बेटा ये था आज आपकी 1.1 एक्सरसाइज, आई होप आपको समझ आया होगा ये सारा। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन आस्क बाय गिविंग मी अ कमेंट, सो आई विल टेल यू अगेन दैट प्रॉब्लम। थैंक यू।